यह फिल्म काल्पनिक है जो किसी व्यक्ति या स्थान पर आधारित नहीं है और किसी जीवित या मृत व्यक्ति अथवा किसी वास्तविक घटना से समानता केवल एक संयोग है। इस फिल्म में दिखाए गए सभी पात्र अथवा घटनाएं काल्पनिक है। यह फिल्म केवल मनोरंजन के लिए है और किसी समुदाय या राज्य के प्रति असम्मान हमारा उद्देश्य नहीं है। This film is a work of fiction and is not based on nor intended to be based on the life of any person dead or alive. Any similarity, resemblance to the life or events in the life of any person living or dead is merely coincidental and unintentional. All characters, backdrops and incidents portrayed and the names used in this film are fictitious and any resemblance to reality, names, character and history is a pure coincidence. This film is for entertainment purpose and has no intention of disrespecting any community, city or state. यही है, हाँ यही है जिसे सब लोग कहते हैं सपनों का शहर, हम सबका शहर मुंबई, अमची मुंबई। अब इसी शहर की एक कहानी दिखाता हूं। कहानी उस व्यक्ति की है जिसका नाम है शिवा। इन सब चीजों से दूर रहो, ये हम लोगों की चीजें नहीं है। भुट्टा बच्चे नहीं खाते हैं, पेट में दर्द होने लगता है। वो चिप्स लो। चिप्स तो परसों आपने खाए थे, सप्ताह में एक दिन खाना चाहिए, रोज नहीं खाना चाहिए, जंक फूड है। ये पपीता क्या हिसाब दिया भैया? पापा पापा वो दिलाओ ना, खिलौना दिलाओ। अरे बेटा ये तो सब टूटने वाले खिलौने हैं, अभी लोगे और घर तक टूट जाएंगे। ये सब तुम्हारे काम की चीजें नहीं है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो यार। क्या हिसाब है भाई? ये 150 ये 100। अरे ले लो भैया, लगा देंगे हिसाब से। अरे ये ना बेटा, बरसात में पेट खराब कर देता है, फिर उल्टी उल्टी होती है। एक मिनट बेटा, ये कांदा क्या हिसाब दिया? 30 रुपए किलो। कुछ कम कर लो। 28 लगा दूंगा। 2 रुपए कम करके बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हो, आधा तो सड़ा हुआ है यार इसमें। इतना सब कुछ महंगा है कि केला लीजिए। क्या हिसाब है संतरा भैया? 100 रुपया किलो। केला 40 रुपए दर्जन। हाँ हाँ रुको ना, पहले पूछ तो ले बेटा। ये सेब तो सस्ता होगा? नहीं 150 रुपया किलो। 150? तो पापा 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 आप लोग नहीं जीने दोगे हैं? मेरी तो सुनो, तो जब एग्जाम हो जाए तब फिर आ जाए। आलू कैसे अभी और कर रही है? लूट मचा रखी है, इतनी महंगाई है यार। तो ले दो कम से कम। हाँ वो सुनो, वो तुम अपनी मम्मी के साथ आना है? मम्मी को तुम्हारी जानकारी है कौन सा असली कौन सा नकली, और तुम ये सामान संभालो बेटा। बेटे आराम से चलो, गिर मत जाना, गिर मत जाना। कितनी देर लगा दी आप लोगों ने?
लाओ चिंटू इधर दो। क्या बताएं, महंगाई इतनी महंगी हो गई है कि हाथ लगाना मुश्किल है। हाँ जी, लाइए लाइए लाइए। आप नहाइए, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक ठीक। चिंटू जल्दी जाओ, अपना किताब निकालो। चल। ये चिंटू बाबू की डिमांड इतनी मार्केट में कि कुछ पूछो नहीं, जो देखते हैं वही मांगने लगते हैं। हरियो कहा था अब निभा ले जिंदगी तेरा वादा, लाएगी तो खुशी। पापा आपकी फिल्म कब आएगी? आप कब से बोलते हो अब आएगी अब आएगी? वो स्कूल में मेरे दोस्त लोग है ना, वो भी बार बार पूछते हैं तेरे पापा की फिल्म कब आएगी कब आएगी कब आएगी, बताओ ना पापा। आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, बड़ी फिल्म है, शूट होने में टाइम लगता है ना बेटा। हाँ चिंटू, आ जाएगी, बड़ी फिल्म है। पापा, आपको जब बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा ना, फिर हम सब मिलकर पिज्जा पार्टी करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, पिज्जा पार्टी करेंगे, पहले तुम पढ़ाई तो करो। क्या पार्टी, तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई भी तो उतनी इम्पोर्टेंट है जितना बेस्ट एक्टर इम्पोर्टेंट है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हें भी खूब स्कूल में अवार्ड मिले। रुको जरा, आँखों का पहले लगाते हैं। एक सेकंड मत। वो क्या है ना, हाँ अब बिंदी लगा दो। देखिए हाँ बढ़िया। चिंटू का ख्याल रखो, शाम को मिलते हैं। ओके, शाम को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तुम भी। इस बार शिवा भैया आमिर को भी पीछे छोड़ दें। हाँ, मेथड एक्टिंग करते हैं, लड़की बन के जाते हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करते हैं। और शिवा भैया क्या हाल है, सब ठीक है ना? मिलता हूँ शाम को, मिलता हूँ। हाँ पक्का। शिवा भैया कैसे हो? बहुत अच्छे। हंस रही है। अस्सलाम वालेकुम। ए भैया, मलाड चलोगे? बैठिए, चलो। ए भैया रोको रोको, पानी के आगे। ये लो। पार्वती, तू आज फिर लेट आई? हाँ लक्ष्मी, लेट हो गई तो हो गई, तू भी चल, चल। कुछ नहीं, चलो। ए बाबू, सुबह सुबह बहुरी का वक्त है, देना बाबू, अच्छा दिन अच्छा जाएगा। राजी खुशी से। ए बाबू, खुशी खुशी। ए बाबू, देना बाबू, ऊपर वाला खूब देगा आपको, देना बाबू, देना। थैंक यू। जुग जुग जियो। ओए होए, क्या रे सलमान, देना बाबू, देना, तेरा भला करे भगवान। ए बाबू, छुट्टा नहीं, ऊपर वाला नहीं, चेंज नहीं है, तेरा ही भला करे भगवान। हेलो दीदी। हेलो मैडम, मालिक करे खुद की, चार गाड़ियां खरीद लो आप। भैया नया किताब है, नया किताब। अरे आप दोनों की तो राम सीता की जोड़ी है। क्या खूब लग रहे हो आप दोनों, ऊपर वाला आपको खूब अच्छा रखे। दो ना बाबू, बाबू दो ना, खूब हरा हरा नोट। शादी हो गई? हाँ। खूब अच्छे अच्छे बच्चे हो और हम बधाई गाने आए। ओए होए, ऑटो में छुप के जा रहे मेरे रिक्की कौशल। देना बाबू। ए बाबू प्लीज,
ए बाबू देना बाबू। नहीं है माफ कर। अरे वाह वाह, बड़ा राधा किशन जैसा जोड़ा बैठा है, बधाई हो। दीजिए ना। अरे वाह, आपके खूब दोनों के बाली बच्चे सब अच्छे रहे, भगवान ऊपर वाला अच्छा करे। ए इधर आ, इधर सुन तो। सुन ए लक्ष्मी, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही है? अरे मेरे को कुछ काम है। तो बीच बीच में कहाँ गुम हो जा रही है? मेरे को जरूरी काम है, मैं आती ना। माई नेम इज शिवा कुमार, एज 37, हाइट 5, फिट 2 इंच एंड रंग गोरा। पिछले 10 साल का थिएटर का एक्सपीरियंस। माई प्रोफाइल्स आर, मैम एक 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 बार नहीं, और नहीं, नहीं, बस हो गया, हो गया। मैम एक बार इससे और अच्छा हो जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। मैं ट्राई कर सकता हूँ मैम। चल ठीक है, लास्ट टाइम, जल्दी एक्शन। मैं कचरा उठाता हूँ साहब, खुदा कसम मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बेकसूर हूँ साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब। हाँ ठीक है, चल नेक्स्ट। थैंक यू। किधर भाई, कहाँ? वो साहब ने बुलाया। कौन से साहब? वो ऊपर बैठे हैं। अरे भाई जल्दी में हूँ। अबे ओए कहाँ जा रहे हैं? इमरजेंसी है। अरे जल्दी में हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ क्या हुआ जी? साहब ने बुलाया है। कौन साहब? वो अंदर जो जो ऑफिस में बैठे हैं ऑडिशन के लिए। ऑडिशन मैं ही लेता हूँ। थैंक यू साहब। क्या हुआ? ऑडिशन ले लीजिए तुम्हारी। हाँ भाई, हाँ ना, बड़े हाइट वालों के लिए, तुम्हारे जैसे छोटे हाइट वालों के लिए नहीं। तो छोटे हाइट वालों की कहाँ ऑडिशन होगी, वहाँ बता दीजिए सर। भाई तुम नॉट फिट हो। अरे हम तो कब से बिल्कुल फिट पार्ट है सर, आप चाहे कुदवा लीजिए, चाहे तैरवा लीजिए, आप जो चाहे करवा लीजिए, मैं नंगी पीठ वाला घोड़ा दौड़ा सकता हूँ सर। फर्स्ट टाइम तू ऑडिशन दे रहा है क्या? नहीं, बहुत दिनों से दे रहा हूँ सर। तो तुझे पता नहीं है? नहीं। अरे पागल वागल है क्या? नहीं। अरे कैसे पागल बोल रहे हैं साहब? अरे भाई तू नॉट फिट है भाई, जा। और नीचे कौन है? बगैर ऑडिशन लिए पता लग जाता है कि हम फिट नहीं हैं। इन सब की आपने डॉक्टरी कराई है, सब फिट है साहब? सब फिट है भाई। पहले तुम अपने नीचे कोई है? ऊपर कैसे आया? बन गई। और रोटी मत लाना मन, अब रोटी नहीं खाऊंगा। ये लीजिए एक और। नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें तो चावल, हमें जरा चावल, चावल चाहिए। चिंटू रोटी चाहिए? थोड़े देना। चावल दू? नहीं 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 बेटा, आजकल तो कम खाने लगा है। नहीं चावल रात में खिलाओ भी मत। अच्छा ये लीजिए मीठा। ये कौन सा है? वो सत्य भय देकर गए हैं, उनकी नौकरी लगी है। हाँ जी। वाह, सुनो चिंटू बेटा, सत्य अंकल पढ़े लिखे हैं, उनकी नौकरी लग गई, तुम भी पढ़ो लिखो, खूब पढ़ाई लिखाई करो, ताकि तुम्हें भी सत्य अंकल जैसा बनना है। एक मुझे तो धोनी बनना है। पहले खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, फिर उसके बाद क्रिकेटर बनना हो, सिंगर बनना हो, या एक्टर बनना हो, जो बनना हो बनो, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई जरूरी है। क्या जरूरी है? पढ़ाई। खा लो अच्छे से खा लो। अब सुनो। क्या जी, और दूं कुछ? वो शर्ट देना। अच्छा। मुझे ना अंदर से बहुत, ये तो तुम खा लेना। ना, 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 काम कर। सुनो सुनो, मैं लड्डू लेके जाता हूँ, मैं जरा सत्या को बधाई दे के आता हूँ। तुम बैठो, तुम फिनिश करो दोनों लोग। कमाल जी, आधा खाना खा। नहीं नहीं, तुम इसमें खा लेना, हम आते हैं। हमेशा जब देखो जल्दी में रहते हैं। तुम खाओ खाना, पापा तो चले गए। ए सत्या,
अरे बधाई हो भाई नौकरी के लिए। थैंक यू मेरे दोस्त। अभी कम से कम एक्टिंग में काम मिले ना मिले, ठीक चाहे कुछ तो पैसे मिलेंगे। मतलब अब एक्टिंग बंद, अब सिर्फ नौकरी? नहीं नहीं, लेकिन अब सिर्फ एक्टिंग नहीं। यार तू भी कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेता यार? कब तक ये धंधा करता रहेगा? धंधा? कौन सा धंधा? ये जो तू सिग्नल पर करता है पार्वती बनकर, ये धंधा थोड़ी है, ये माता रानी की ब्लेसिंग है। हाँ हाँ वही ब्लेसिंग। पप्पू भाई चाय दो ना। हाँ साहब लाया। एक बात बता, तू इस धंधे में, सॉरी इस ब्लेसिंग में फंसा कैसे? फंसा कैसे? तो हुआ कुछ यूं था, मधु पेट से थी। आप 40,000 जमा कर दीजिए, इनका कल ऑपरेशन करना पड़ेगा। 40,000? जी जी हो जाएगा। लेकिन 40,000 कब? थिएटर डायरेक्टर से एडवांस में ले लूंगा। तुम चिंता ना करो, हम है ना। डॉक्टर साहब आप तैयारी शुरू कर दीजिए, लेकिन मुझे कल शाम तक का वक्त दीजिए, मैं पैसे ले आऊंगा। प्लीज डॉक्टर प्लीज। ठीक है आप कल शाम तक पैसे लेके आ जाइए। अरे नाशपी क्या, तू पति नहीं पनौती है, तुझसे अच्छा तो पड़ोसी है। हाँ तो जाओ ना, मुंह काला करो, उन्हीं के घर में बस जाओ जाकर। चली जाऊंगी चली जाऊंगी, अगर तुम्हारी यही कुत्ते जैसी भौंकने की आदतें रही ना, दिन भर जिंदगी खराब होगी, जिंदगी खराब। तो उसी के साथ चली जाऊंगी। वो तो बच्चों की शक्ल देख देख के रुक जाती हूँ, नहीं तो तुम्हारी शक्ल देखती हूँ तो दिन में 10-10 बार जहर पीने की इच्छा होती है। जहर जहर पीने की इच्छा? मतलब जहर पी के मरोगे? मरूंगी। अभी के अभी, अभी के अभी जहर लाके देता हूँ। कसम है तुम्हारे बाप की, तुम जहर लेके आना। लेके आता हूँ जहर, मरो तुम। लेके आओ, भाग के जाओ। नाश बेटा पति, सत्यानाश हो तेरा। ये कैसा अत्याचार, ये पति मेरा पूरा पूरा बीमार। हे भगवान, धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों, शुभ रात्रि। चलो। अरे लाइट जल्दी बंद करो, ये अब लाइट ज्यादा वहां पे मत रखो यार, खाली करो उसको, ये 5 मिनट में थिएटर खाली करना है अभी। रिस्पेक्ट सर। हाँ सर, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना शिवम, बोलो। सर अगर थोड़ा एडवांस मिल जाता तो, बहुत अर्जेंट जरूरत है। यार शिवाब, मैं तुम्हें बोलने वाला था, आज अपने नाटक का आखिरी शो था ये। हाँ थिएटर बंद हो रहा है अपना, लोग नहीं आ रहे हैं नाटक देखने के लिए, और नुकसान अब, और नुकसान मैं झेल नहीं सकता रे अब। क्या मतलब कि ये सब आज से बंद, हम लोग अब कल से नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे शिवा, लेकिन तू तू हमेशा से मेरा फेवरेट एक्टर रहा है शिवा। सॉरी। आप 40,000 जमा कर दीजिए। इनका कल ऑपरेशन करना पड़ेगा।
इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, दुआ करना। मेरे पहले बच्चे को तो नहीं बचा पाया, लेकिन माता रानी कृपा से कुछ पैसे कमाने का जरिया मिल गया। और हाँ, ये तू क्या बोल रहा है नौकरी करने के लिए? मुझे कौन देगा नौकरी? अरे अरे यार, मैं तेरे जैसा पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ। हाँ, छोटे मोटे काम कर लेता हूँ कि जिसमें कोई डिग्री नहीं पूछता। तेरे जरिए के बारे में किस किस को पता है? सिर्फ मधु को, तुझे, चिंटू, ताई और आसपास के लोगों को कुछ नहीं पता? उन लोग बेचारों को तो ये मालूम है कि मैं कोई बहुत बड़ी फिल्म कर रहा हूं और मुझे उसमें लड़की का रोल करना है, तो रोज मेथड एक्टिंग है ये बोलकर निकलता हूं घर से। और तू जिन लोगों के साथ काम कर रहा है सिग्नल पे, अगर उन लोगों को कभी पता चल गया कि तू लड़का है तो फिर मारेंगे तुझे, मारेंगे। यार तू कैसा दोस्त है, मेरी काबिलियत पे शक करता है? मेरी काबिलियत के बारे में तू शक करता है यार, उन्हें कैसे पता चलेगा? अरे पता चलता है आजकल यार, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो ऐसा काम करते हैं, उन लोगों को पीटा है, मारा है। तो मुझे एक बात बता, बिना कार्ड के कोई एक्टर बन सकता है क्या? पप्पू। हाँ साहब। ये चाय रख देना, पीता हूं बाद में। ऐसे थोड़ी मारने लगेंगे, हमारा वहां सब सेट है मामला। अच्छा है, सेट है तो चलो। मैं तुझे वहां मिला तो मतलब मैं, मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि मैं तुझे जानता नहीं हूं। छूटे पैसे रखने पड़ेंगे तेरे लिए, मुझे हमेशा कुछ देना तो पड़ेगा ना तुझे। यार तू भी। सबके जैसी नहीं है रे। क्या मतलब? तू दिल से अच्छी है। तू भी तो बहुत अच्छा है मेरा। ना ना। ए बाबू, डीजे मालिक आपको बहुत अच्छा रखे। हाय, बड़े गुस्से में हो? अरे बड़ी अच्छी जोड़ी है, मालिक आपकी खूब जोड़ी अच्छी रखे, खूब फलो फूलो, उन्नति करे। जिग जिग जी, जिग जिग जी।
क्या रे लक्ष्मी, पहले ही कोविड ने लेके रखी है और अब ये बरसात ले रही है। हाँ यार, पर तू फिकर मत कर, पापा सब ठीक कर देगा। तू कल आ रही है ना बधाई के लिए? कल कितने बजे? ओहो मैडम, आजकल मैं बहुत बिजी है। नहीं रे, मेरा तो कल ऑडिशन है। क्या? नहीं, वो कौन सी कार है? अब अडी अब ओडी ओ ऑडी ऑडी वही ऑडी कार, वो शोरूम वाला मेरे को बुलाया है बधाई के लिए। अच्छा, तो तू फ्री होके हॉस्पिटल आ जा। 300, 330, 40, 50, 70। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की और क्या भाई, अंदर ऑडिशन चल रहा है ना? कब से चल रहा है यार? अच्छा? खड़े हैं गर्मी में, पानी पिलाओ यार। मैं पानी पिलाने वाला नहीं हूँ, मैं तो ऑडिशन देने आया हूँ। ऑडिशन? हाँ। क्यों बे, एक्टर बनेगा तू? नहीं, मैं तो एक्टर हूँ, बचपन से थिएटर कर रहा हूँ। एक्टर? अच्छा, कहाँ से हो? यूपी शाहजहांपुर से। देखो एक बात बताता हूँ। बताओ। बॉलीवुड में एक्टर बनना है ना, तो बॉडी बनानी पड़ती है, अच्छी पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है। ये बाल, ये अच्छे एब्स, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अच्छी बॉडी बनानी पड़ेगी, ऐसे बहुत मेहनत करना पड़ता है यार, बहुत मेहनत। तो जिनकी बॉडियां नहीं होती वो क्या एक्टर नहीं होते? बनते हैं, छोटे मोटे कैरेक्टर्स करते हैं बस। ऋतिक को देखा है कभी छोटे कैरेक्टर्स करते? टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, क्या बॉडी, क्या पर्सनैलिटी, क्या डांस। तो ऐसे बनाओ, मेहनत करो खुद पे, उसके बाद वापस आओ, समझे? क्या बात है, ये तो थिएटर में बताया ही नहीं कि अभिनय के साथ बॉडी भी बनाओ। Why? Why the heck you think like that about me, Jennifer, huh? I love you and I do give a lot of respect to you, okay? Why the hell do you think like me? Lines yaad hai? Yes, sir. Chalo, action. Why the hell do you think like that about me, Jennifer? I love you and I have told you. I have a lot of respect for you. Don't pull my links. Don't put my feelings in the dustbin. Understand? Dustbin बोल, dustbin. 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 ये वही तेल है जिसकी आपको बरसों से तलाश है, जो आपके बॉडी के हर पार्ट को मजबूत कर देगा। किस बात की हंसी आ रही है? जा करके दिखा। जा। Sorry ma'am. Go. Ready? ये वही तेल है जिसकी आपको बरसों से तलाश थी, इसको लगाने से बॉडी का हर पार्ट मजबूत हो जाता। You think it's funny? एक मौका में। Right now, I said get lost. बहुत अच्छा तेल है मैम। बहुत सॉलिड है ये वाला। योगेश जी, एकदम सही रहेगा। योगेश जी, ठंडा ले गया? ठंडा यहाँ से पूरा फ्रेम। सर ठंडा नहीं, मैं तो ऑडिशन देने आया हूँ। ऑडिशन? ओके, देने के लिए। सिक्योरिटी, किसने भेजा इनको अंदर? नहीं सर, सिक्योरिटी ने नहीं, आपके आदमी ने बुलाया है कि सर के सामने ऑडिशन। सर प्लीज लेके जाए इनको। सर मैं एक्टर हूँ। प्लीज बाहर। सर मैं आपसे करवा लीजिए। सर मैंने थिएटर किया है। सर एक मिनट, सर ने ऑडिशन के लिए बुलाया था। सर कर लीजिए ना सर आपका। खूब आशीर्वाद। ए राजू देना। ए मैं बोल रहा हूं तुम लोग सुधर जाओ। सुधरूंगा तो बुराई बुरा मान जाएगी। ओह सला, तुम लोग क्या सुधरने बिगड़ने की बात करता है? हाय, बिगड़ने से याद आया, तुम लोग एक काम करो, शादी कर लो। फिर से शादी, सुअर के बच्चों।
कब है होली, कब है होली? अरे सुनते क्यों नहीं है जी आप? बुला रहे हैं आपको कब से ये? इतने मेहनत का काम चल रहा है, इतने बड़े एक्टर से तुम लोग सिर्फ टट्टी धुलवाओ। कर ली थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे, चिल्ला रहे हो। खड़े हो जाओ, ठीक करो ये नाड़ा संभाल। बस ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ओके चलो। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं कर रहा हूँ रिहर्सल। किरण, मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग सुधर जाओ। अच्छा सुन, I need an assistant. Male? Male नहीं यार, female. You know me, man. And yeah, she should be pretty and sexy, okay? अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। सर, सर वो शिवा है आपसे मिलने। कौन शिवा? सर वो पिछली बार आए थे। पिछली बार आए थे। देखो मैंने तुमसे कहा था, वो जब भी आए उसे भगा दिया करो। Just tell him I'm busy. I'm very busy. Okay? जी सर। May I come in, sir? अब जब अंदर घुस ही गया है तो पूछ क्या रहा है? कुमार साहब, मैं ना नए फोटोग्राफ लेकर आया हूँ, अभी अभी खिंचवाया है, नया पोर्टफोलियो, एक बार देख लीजिए कुमार सर। अरे तुझे कितनी बार कहा है, तेरे लायक काम नहीं है मेरे पास, ओके? कुमार साहब एक बार फोटो देख लेंगे, हो सकता है कि आपको पसंद आ जाए और मेरी किस्मत चमक जाए। प्लीज 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 सर, प्लीज। ठीक है, रख दे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए मैं सर बहुत पैसे लगा के खिंचवाया। शॉट रेडी है ना सर? थोड़ा टाइम है। नहीं नहीं, शॉट रेडी है, मुझे पता है। टाइम है और रेडी के बीच में सर एक नजर डाल लीजिए। शॉट रेडी है, एक एक नजर देख लीजिए सर। बिल्कुल, अब तक देख लीजिए सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए चलिए सर, चलिए चलिए सर। कुमार साहब एक बार देख लीजिए, बड़े प्यार से पोर्टफोलियो बनवाया जी। इस बटले को अगर तुमने अगली बार आने दिया ना जी जी, तो आई विल फायर यू। सॉरी जी सर। शिवा भैया, ये आजकल का सुन रहे हैं? का सुन रहे हैं? आपका फिल्म इंडस्ट्री में ओ बहुत चल रहा है। कौन है? हिमेश रेशमिया? अरे वो तो कबे से चल रहा है, चलते ही जा रहा है। अरे वो नहीं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? निपोटिज्म। अरे हाँ हाँ, आजकल बड़े बड़े एक्टर के बेटे बेटियों को तो काम मिले हैं, हैं? और क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। ऐसा होता तो हम लोगों ने इरफान खान साहब का नाम भी नहीं सुना होता, और ना ही अक्षय कुमार का, ना ही सुशांत सिंह राजपूत का, और हम सबके फेवरेट किंग खान। और वैसे तुम्हारा भाई भी कोई शाहरुख खान से कम लगता है क्या? अरे नहीं नहीं यार, बिल्कुल सच में बिल्कुल शाहरुख लगता है मेरा भाई तो। साइड से तो लगता है। ए, इधर खाता है, इधर ही थूकता है। अब क्या कर रहे हैं भाई, नाली के ऊपर तो बना रखी है। ये सुन भैया, जब हम एक एक्टर बैठा हुआ करे ना, तो तू थोड़ा पैजामे में रहा कर। गलती हाँ, क्योंकि अभिनेता का एक अनुशासन होता है भाई। बिल्कुल भाई, गलत बोल रहा हूँ। अब स्ट्रगलर हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि तू मतलब इधर थूक रहा है उधर थूक रहा है। अबे गंदे इधर थूकदान पड़े हैं क्या? नहीं, बाल ठीक कर। तू करवा क्या रहा है लेकिन अभी? अरे आज ऑडिशन है ना हमारा थोड़ा सा, इसलिए हमने बताया, लेकिन वो तो हो गया। अब क्या? चल भाई। और क्या? चल और सफाई रखा कर। पैसे? अरे पैसे मैं दे दूंगा, चल चल। तेरे पैसे कभी रुके? नहीं। ऐसा कभी हुआ कि तेरे पैसे ना मिले हो? तो नोट करता रहे, कभी चार बार दाढ़ी बनती है, कभी पांच बार, लेकिन पैसे तो मिलते हैं ना। और आज बनी फिर? नहीं नहीं, बाय बाय बाय, माफी बाय बाय। मरेंगे साले खींच के भी, बदतमीज। जाने दो। अरे जाने दो जाने दो जाने दो भाई, सब पागल है यार। बहुत मार खा तू लोगों की वजह से शहर गंदा रहता है। तुम्हारी लाइन याद नहीं हुई? अभी याद हो रही है। और तेरी हो गई? मैं तो बचपन से रेडी हूँ। क्या बात है। तुम्हें किसने भेजा? जी आपने जो काम बोला था वो हो गया है। हाँ ठीक है जी मैडम। तुम इधर क्यों बैठे हो? वहाँ वॉशरूम में कब से पानी टपक रहा है और तू इधर कर क्या रहा है? तू चल उठ जाओ। अरे
मैडम क्या ऑडिशन देने आया हूँ? ऑडिशन? अपनी हाइट देखिए, ये टॉल हाइटेड लोगों के लिए है। चलो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, नॉट फिट। अरे हाइट से क्या लेना देना, मेरी माँ कहती बचपन से मैं 100 फीट का हूँ। तो मैं क्या करूँ, निकलो। अरे लेकिन मेरा ऑडिशन तो हो जाने दीजिए मैम, बुलाया है। समझ में नहीं आता है, जस्ट गेट लॉस्ट। अरे ए हेलो, चलो जहाँ देखो नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट। अरे हालत बना रखी है, बाप बेटे दोनों हमको नौकरानी समझ लिया है। जल्दी उठो। हाँ मम्मी। मधु ये क्या कर रही है, बर्तन धोते हुए तेरी ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, दाग रह जाता है, कम से कम हाथ में थोड़ा जान तो डाल। जी लगा रही हूँ। देख मधु तेरे ये नाटक नहीं चलेंगे, तू एक काम कर, तू रहने दे, तू जा। मगर अगर मगर छोड़, कभी नहीं सुधर सकते तुम लोग। पैसे मांगने हो तो 10 दिन ठीक से काम करोगी, उसके बाद अपने आप को मालकिन समझने लगती हो। कल से आना मत। मैम साहब हिसाब कर दीजिए फिर। हिसाब? हिसाब चाहिए? निकल 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 छोटी चोरनी। सॉरी सर, सुनाई नहीं दिया सर। टेक टेक करूं तेरा? नहीं सर, हो जाएगा सर, इस बार एक मौका दीजिए। चल जल्दी सर, आप हमारे ना रियल में लात मार दीजिए। जो ब्रो लग जाएगा तेरे को, हमें लगती रहती है, आप चिंता मत कीजिए, आप मार देंगे तो टेक मिल जाएगा। रेडी 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 सर। एंड 3 2 1 एक्शन। क्या शॉट दिया सर, क्या शॉट दिया है, कर इट ओके। थैंक यू। 2 करोड़ का शॉट है सर, तहलका मचा दिया। चाय लाऊं? चाय लाऊं सर? जा जा जूस। हाँ मेरे लिए भी ले आओ। ठीक है जूस लाता सर। सर आपने बहुत अच्छी लात मारी, खूब तालियां मिली। तूने ही बहुत अच्छा करा। सर डायरेक्टर को भी बोल दीजिए मैंने अच्छा किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा। पंडित का पसीना पोछो पोछो पोछो। सॉरी सर, कैमरा के सामने भी हमने देख लिया था। अच्छा फोकस चेक करो, फोकस सब चेक कर लो। आप यहीं रहिए सर। चलो चलो टेक करते हैं। एंड रेडी पंडित जी? सर याद है ना, देखो पंडित याद है, याद है, याद है। कैमरा एक्शन। आंगिकं भुवनम यस्य वाचिकं सर्वांगमयम् आहार्यं चंद्रतारादि तम नुमः सात्विकं शिवं तम नुमः सात्विकं शिवं कर्पूर गौरं करुणा अवतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं
भवानी सहितम नमामि। लव फूल चढ़ा दो। लकी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं चांद तारे भी तोड़कर ला सकती हूँ। तुम बस एक बार हाँ कह दो। कट 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 कट। रश्मि जी आपको लाइन याद नहीं है? नहीं सर याद है। फिर से करते हैं सर। ये ब्लोवर मुंह पे मार रहा था। क्या कर रहा है शिवा? नहीं 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 अब सर थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया। ठीक से कर, फेस पे आ रहा है। अच्छा मैं नीचे रखता हूँ अब। सॉरी सर। रेडी सर? हाँ चलो। बन मोर सर। एंड रोल कैमरा एक्शन। लकी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या कर रहा है, पागल है क्या? नहीं किसने रखा है इसे? सॉरी रश्मि जी, सॉरी सॉरी। क्या कर रहा है शिवा? सॉरी सर, नहीं पहले थोड़ा ऊपर हो गया इसलिए थोड़ा नीचे किया था सर, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। ना ऊपर का ना नीचे का, बीच में कर। आपकी बराबर बीच में रखता हूँ सर। चल जल्दी करेंगे अभी। सॉरी सर, एक और। रेडी सर? मैम ऐसे यहाँ पे मारूं? हाँ ठीक है। रोल कैमरा ब्लोअर चालू एंड एक्शन। एक्शन शिवा। लकी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जीते रहो। भैया ये टमाटर कैसे दिए? 60 रुपए किलो मैडम। पाव किलो 10 रुपए में दोगे? नहीं नहीं हो पाएगा मैडम, फिक्स रेट है। ये देख। क्या है? मैं तो बोलता हूँ तू भी ऐसा कुछ कर डाल। साला ये लोग बहुत फेमस हो रहे हैं ऐसा वीडियो बना बना के, और कुछ लोग तो इनको फिल्म स्टार से भी बड़ा मानते हैं। हट साला, ये कोई एक्टिंग है? अभी 10x10 के कमरे में एक मोबाइल रख दिया, 4-5 फिल्टर बदल दिए और कुछ कर दिया, इसको एक्टिंग थोड़ी कहते हैं। सत्या मैंने अपनी आंखों से देखा है कई कई बार। मार साला, आधे किलोमीटर फैली हुई बड़ी सी यूनिट, कैमरा, लाइटें, और सौओं लोग आपको घूर घूर के देख रहे होते हैं, और उनके बीच में डायरेक्टर माइक लेके बड़ी बड़ी मोटी मोटी गालियां दे रहा होता है, और दसों एक्टर और आपकी जगह पाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। 10-10 पेज की लाइनें याद करनी पड़ती हैं। बड़े बड़े एक्टरों की फट जाती है, गीली हो जाती है। अरे उसे एक्टिंग कहते हैं, और फिर उसमें से बनता है एक फिल्म स्टार। बात तो तू सही कह रहा है। लेकिन सारा ये लोग ये फॉलोअर्स देखकर काम देते हैं ना, 1 million, 2 million, 3 million। बड़ा क्षणिक है, फॉलोअर आज हैं कल नहीं है। अबे ये तो जैसे बाकी मार्केट होती है वैसे मनोरंजन की मार्केट है, हैं? कोई सेब बेच रहा है, कोई सड़े हुए संतरे बेच रहा है, तू क्या लेगा? तू लेगा क्या, ये पॉइंट है। मैं तो सेब लूंगा। तो क्लियर है ना? क्लास क्लास होता भाई। और सुन, जिसके पास क्लास है ना उसके साथ ही मास है, बाकी सब थर्ड क्लास है। ये बात तो है। पार्वती तेरे तो ट्रेन में होना चाहिए था। क्यों? कितना मजा आया। अरे तो क्या मजा आया। एक आदमी ट्रेन में घुस गया। हे भगवान, एक आदमी ट्रेन में घुस गया? ट्रेन में तो हजारों आदमी घुसता है। अरे हम लोग के जैसा एक्टिंग कर रहा था है? हाँ, हम लोगों ने पकड़े सबने मिल के। साले को बहुत मारे तोड़े। तू रहती तो देखती हम लोग ने क्या हल किया उसका। हाँ पार्वती, तू होती तो कितना कूटती थी, कितना मजा आता था। हाँ मैं होती तो मैं बहुत कूटती। तूने मेरा रिचार्ज क्यों नहीं कराया अब तक? अरे
I'm so sorry, baby. मेरे दिमाग से निकल गया, अभी कर रहा हूँ. बहुत सॉरी, तू मेरी बात भूल जाता है always. Done, हो गया, अब चिल्लाओ मत प्लीज. चल ठीक है, तू बता तू मुझे बर्थडे में क्या दे रहा है इस टाइम. मधु ने तो कभी कुछ मुझसे मांगा ही नहीं, कभी कोई ख्वाहिश ही नहीं रखी. मैं उसे घुमाने तक नहीं ले गया कभी. थोड़ा भरोसा रखो इस बार का. मधु खोलो खोलो दरवाजा खोलो. हाँ जी आई आई आई. मधु आई जी. क्या है? एक मिनट सुनो ना, बाहर चलते हैं. कहाँ? आओ तो. अरे रुके तुसे, अरे बाल... तो जल्दी करो. आओ ना. अच्छा. आओ तो, जल्दी करो. बरस गया तो चलिए. आ जाओ आ जाओ. हाँ भी ना, हमेशा घाई घाई में रहते हैं. चिंटू को स्कूल से लेकर आना था. अरे तुम चिंटू की चिंता मत करो, ताई को बोल दिया है, वो ले आएगी. तुम इधर देखो तो. ये कहाँ लेकर आए जी? आ जाओ इधर से दिखाते हैं. हाँ. आ जाओ. अरे इतना बड़ा, फिर बहुत बड़ा समंदर है जी. वाह बहुत खूबसूरत है. अरे यही तो है मुंबई मेरी जान, यहाँ आने के लिए दुनिया तरसती है. आ जाओ उधर नीचे बैठते हैं. हाथ दो मुझे. यहाँ से तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है. क्या लहरें हैं. पता है मधु, जैसे आप समुद्र को जितना दूर देखोगे उतना ही ऊपर चढ़ता आता है, और नदी को जैसे जितना दूर तक देखोगे तो नीचे जाती दिखती है. कुदरत का करिश्मा है. देना साहब, माता रानी की कृपा होगी. देना साहब दो ना राजा. जग जग जियो. इसको भी. सदा खुश रहो. बाल बच्चे आगे बढ़े. यार मधु, कभी कभी बड़ा बुरा लगता है कि मैं इन लोगों को धोखा दे रहा हूं. सिग्नल पे भी मुझे कितना प्यार करते हैं कि एक बार आप बड़े एक्टर बन जाएंगे ना, आप अपनी सच्चाई बता दीजिएगा, मान जाएंगे ये लोग. माफ कर देंगे ना वो? कर देंगे जी. आप दिल के साफ हैं, समझेंगे, आपको माफ कर देंगे. अच्छा सुनिए ना जी, ये देखिए ना वो गोला, मुझे गोला खाने का बड़ा मन है, खिलाइए ना. गोला खाना? हाँ. चलो गोला खाते हैं. हाथ पकड़िए हाथ पकड़िए हाथ पकड़िए. आ जाओ आराम से. संभालिए जी, गोद में ले लूं तुम्हें. हाँ. इश्क कमा जा छूटे ना तेरे, इश्क कमा जा रे, इश्क कमा जा टूटे ना तेरे, इश्क कमा जा रे. जब से है मिला साथ ये तेरा, इश्क क्या है ये जाना, तुझसे जो मिला खुद से मैं मिला, चाहे दिल तुझको पाना. जब से है मिला साथ ये तेरा, इश्क क्या है ये जाना, तुझसे जो मिली खुद से मैं मिली, चाहे दिल तुझको पाना. इश्क की इनायते हैं, रूह की हिदायते हैं, था मेरा ये दिल हुआ तेरा. खुशी में मेरी खुशी है. इश्क की राय
अच्छा लड़का है ना तू। फिर मम्मा पापा तंग तो नहीं किया ना? आ गया तुम्हारा बाप। अच्छा इसको दिख नहीं रहा है जो खाम खा कमेंट्री कर रही हो। पापा हाँ? मुझे बस खेलने भी नहीं गया। अरे लेकिन कोई बात नहीं, पहले पढ़ लिख लो, खेलना कूदना तो जिंदगी में चलता ही रहता है मेरा बच्चा। पापा ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। क्या ये क्या, इसमें क्या झूठ है? अच्छा सुनिए ना, हमने ताई से कहा है कल से वो चिंटू के साथ अब दोपहर में घर पर ही रहे। क्यों? चिंटू के स्कूल से फोन आया था जी कल, फीस लेट हो गया ना, तो हमने सोचा है दो घर और पकड़ लेते हैं। नहीं नहीं ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं है मेरे पास, मैं कल जाऊंगा तो फीस दे के आऊंगा। चलो इसमें दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ए चिंटू है जी, तुम्हारे पे गया है। मेरा बेटा है तो मेरे पे नहीं जाएगा तो किस पे जाएगा? बहुत अच्छा है तुम्हारे पे नहीं गया। बाप रे, ये आदतें मिल जाती तो पता लगता, एक तरफ तो पागली हो रहा हूँ, दूसरा बच्चा भी पागल कर देता। ताई डॉक्टर से पूछा कब तक टाइम है अभी? तो तुझे 8,000 रुपए चाहिए। हाँ, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है शिवा, अभी चिंटू बड़ा हो रहा है, उसे बड़े कॉलेज भेजेंगे, फिर पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजेंगे। अब हर बार तो मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा ना? नहीं हर बार नहीं, सिर्फ इस बार चाहिए। देख शिवा, मेरे पैसे भी तेरे ही पैसे हैं, तुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है, जितने चाहिए लेके जा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच यार। ये एक्टिंग के छोटे छोटे काम करने से तो तेरा घर नहीं चलेगा और ना ही पार्वती हमेशा काम आएगी। ये एक्टिंग ये सब अमीरों का काम होता है यार, हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे लेकिन जिंदगी ने पिछवाड़े पे ऐसी लात मारी कि सारे सपने टूट गए। पानी आ गया, चल। भाई आदाब, नमस्ते। क्या चाहिए भाई? मुझे काम चाहिए। क्या काम करेगा भाई? जो बताओगे वो कर लेंगे, आपका जो भी ऑर्डर होगा घर घर पहुंचा के आऊंगा फटाफट। डिलीवरी बॉय का काम है जी, तो 250 रुपया मिलेगा। ठीक है भाई, करूंगा भाई, 250 पर डे ना भाई? महीने का 250 रुपया मिलेगा। ठीक है भाई, चलेगा चलेगा, लेकिन आपसे एक विनती है। हाँ बोल। मैं ना हर दिन 2-3 घंटे के लिए जरा ऑडिशन देने जाता हूँ, तो आप वो छुट्टी हमें दे दिया करिएगा। तू हीरो बनेगा? हाँ भाई कोशिश कर रहा हूँ, देखो ऊपर वाला बना ही थे। तू जा, तू बड़े बाप की औलाद है, तू जा। नहीं निकल भाई, जा जा, टाइम खोटी मत कर, ऐसे ऐसे आ जाते हीरो बनने के लिए, ये हीरो बनेगा, जा। पता नहीं किधर से आ जाते। हेलो, हाँ नमस्ते काबरा साहब जी। जी सर, सर मैं अभी आ जाऊं? थैंक यू सर, मैं अभी 15 मिनट में आता हूं। हेलो सर नमस्ते। अरे अरे शिवा, अरे काबरा साहब, जैसे ही आपका फोन आया मैं तुरंत चला आया सर। बहुत बढ़िया किया, मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। खड़े क्यों, बैठो शिवा, बैठो। जी सर। कमाल किया तुमने, चाय पियोगे? नहीं सर। कॉफी? ठीक है सर। अरे कॉफी लाओ साहब के लिए। तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट देखा ना जी, सारे पगला गए। पता है डायरेक्टर मुझसे क्या कहता है? हाँ। कहता है भाई कहां से ढूंढ निकाला तूने इसको, ऐसे लगता है जैसे कोयले के खान से किसी को हीरा मिल गया हो। सर मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे? अरे तुम इस फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गए हो। सर क्या बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी मेहरबानी। सर हमारा क्या कैरेक्टर है, क्या मैं कर रहा हूँ इस फिल्म में? क्या कैरेक्टर है जी? हीरो का रोल मिला है तुम्हें। सर थैंक यू, बड़ी थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, ठीक है जी। फिल्म लगेगी तो तुम बन जाओगे स्टार। जी मैं बन गया सर। हाँ, जहाँ जाओगे मीडिया तुम्हारे पीछे जाएगी, लोग तुम्हारी तस्वीरें खींचेंगे, अखबारों में फोटो आएगी, लोग तुमसे ऑटोग्राफ मांगेंगे। जी मैं दूंगा सर। तुम्हें सिग्नेचर आता है? हाँ कर लेता हूँ सर। तो चलो, इस फिल्म में हीरो के लिए जो मैं तुम्हें साइन कर रहा हूँ ना जी, उस कॉन्ट्रैक्ट पर तुम्हारा पहला ऑटोग्राफ होगा। थैंक यू, थैंक यू, कुछ नहीं। अब एक काम करो जी, एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बना। पोर्टफोलियो है मेरे पास सर। अरे वो नहीं बाबा, वो देखा है मैंने, वो कचरा पुराना हो गया। सोच बदलो शिवा, तुम हीरो हो अब हीरो। एक काम करो, तुम इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टिल फोटोग्राफर से ना एक फोटो सेशन करवा। वो है ना अब्बू हमारा, उसे करवा। सर सर शूटिंग के बात कर लूंगा, बहुत महंगा पड़ेगा सर। महंगा तो है, देखो वो 1.5-2 लाख लेता है, पर दोस्त है, दोस्त है मेरा, मैं बात कर लूंगा। 50,000 में काम। 50,000 भी सर बहुत महंगा है सर। शिवा सोच बदलो, सोच बदलो, बड़ा सोचो, 50,000 तो लगेगा ही। एक एक हेलो। हाँ कपूर साहब, सब ठीक? जी 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 बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया एक्टर मिले सब सब। हाँ जी, अच्छा नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम क्या है, हो जाएगा। हाँ समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, नहीं हो जाएगा कपूर साहब, आपने कह दिया बस हो जाएगा ना, आप मेरे पर छोड़ दीजिए। जी 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 कपूर साहब एक मिनट, एक बड़े दिनों से आपसे कोई बात करनी थी, मौका नहीं मिला। क्या है कि अब मैं ना ये कास्टिंग करते करते थक गया हूँ सर, अब इसमें कोई नई बात रही नहीं है। अब मैं भी चाहता हूँ डायरेक्टर बनूँ, बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स भी हैं मेरे पास, तो आप अगली फिल्म की प्लानिंग करो तो मुझे रखो अपने दिमाग में एज डायरेक्टर। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। किसका फोन था सर? हुँ? किसका फोन था? कपूर साहब का। कौन कपूर साहब? कौन कपूर साहब? बहुत लोग हैं ना कपूर साहब। अरे हमारे प्रोड्यूसर कपूर साहब। ओह सर, सर क्या कह रहे थे मेरे बारे में, कुछ बोल रहे थे सर? क्या कह रहे थे? बैठो बैठो बैठो। देखो शिवा जी, तुम ये फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीके तो समझते हो ना, तुम जानते हो यहाँ काम कैसे होता है। तुम ये फिल्म छोड़ दो। क्यों सर? मतलब कैसी बात करो सर, आपने हमें हीरो मेरे सर, अभी अभी तो आप कह रहे थे हीरा सर। फिल्म छोड़ने की हमारी औकात क्या है? फिल्म छोड़ने की सर, सर सर प्लीज, क्या कर रहे हो तुम सर? प्लीज प्लीज, अरे सर आप हाथ लग जाएंगे तो मेरी मेरी जिंदगी बन जाएगी सर। ये मत कर, बड़ा जीवन बड़ा मुश्किल से मौका मिलता है। शिवा तुम प्लीज, शिवा सर प्लीज प्लीज, शांति रखो, शांति रखो, रिलैक्स। सुनो देखो, मैं इतनी फिल्मों की कास्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है? मैं किसी और फिल्म में तुम्हें बढ़िया रोल दे दूंगा ना, तो मेरी नजरें हैं तुम पर, तुम बहुत अच्छे कलाकार हो, मेरे पे भरोसा रखो। ये फिल्म छोड़। लेकिन लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम है शिवा। क्या प्रॉब्लम सर? कपूर साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो चाहते हैं कि इस फिल्म में उनका बेटा हीरो बने। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने तुम्हारे सामने इतना गिड़गिड़ाया, इतनी तुम्हारी सिफारिश की, लेकिन वो एक हद होती है यार, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। प्रोड्यूसर वो, पैसा उनका, बेटा उनका, मैं समझ गया सर। समझो ठीक ठीक, आप भी उनकी अगली फिल्म तो डायरेक्ट करने जा रहे हैं ना सर? फिल्म इंडस्ट्री में सब चलता है ना सर। मुकेश, उस कॉन्ट्रैक्ट से शिवा का नाम निकाल दो और प्रोड्यूसर साहब के बेटे का नाम डाल दो। पापा उठो ना, पापा उठो, उठो ना, उठो, उठो। अरे थैंक यू, लव टू बेटा। जन्मदिन मुबारक हो जी। थैंक यू, आप हमारा जन्मदिन है।
बूढ़ा हो गया रे शिवा तू। तेरी जवानी तो तुझसे संभल नहीं रही है ताई। क्या जी? अरे खुद के पैर कब्र में जाने वाले मुझे बड्डा बता रही है। कुछ शर्म हया है कि नहीं? शर्म, कुछ हमें शर्म, शर्म। तुझे देख के मेरी सब शर्म खो जाती है। काटिए, चलिए। ताई केक के साथ चाय बनाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं चिंटू को घुमा के लेके आती हूँ। तो इसको थाली में लगा लो, फिर सबको बांट भी देना। हाँ जी, हाँ जी। चलो बाहर जाएंगे खेलने को। और चिंटू को भी दे देना स्पेशल खिलाओ। ये छोटे छोटे टुकड़े काट के लेकर आती हूँ जी। छोटे छोटे पीस बना लो सबको बांटने के लिए ना। अब हमारा ही बर्थडे है और हमें बर्थडे भी याद नहीं, क्या जिंदगी है। अभी आएगा खेल कर फिर दे देंगे उसे। सुनिए जी, कल आप काबरा के पास गए थे, क्या हुआ? काबरा तो बुलाए थे, बहुत एक्साइटमेंट में थे और बोले सब फाइनल हो गया है। फाइनल? तो बताया क्यों नहीं? अब बताते क्या, वो बात कर ही रहे थे तब तक उनको प्रोड्यूसर साहब का फोन आ गया और पता नहीं क्या बात हुई और फिर उन्होंने हमें बदल दिया। बदल दिया? और बोले तुम्हें अगली फिल्म ले लूंगा। वो जो प्रोड्यूसर अभी ये फिल्म बना रहा है तो उसी ने इनको काबरा को दी है एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, तो अगली फिल्म काबरा ही डायरेक्ट कर रहा है। तो काबरा सबसे बोलिए ना, आपको आपको दूसरी फिल्म में ले लेंगे ना। क्या दूसरी फिल्म में ले लेंगे? अब लेने के बाद फिर प्रोड्यूसर का फोन आ जाए और बोले कि हमारा बेटा करेगा इसमें तो फिर बदल देंगे। तो एक्टर है क्या वो बेटा? एक्टर क्या, आप जो प्रोड्यूसर पैसा लगाता है वो जिसको खड़ा कर देगा वो एक्टर ही तो है ना, पैसे वाले का है ना सब कुछ मामला। लो भैया। चलती है क्या रात को? हाँ छोड़, अभी बताती हूँ कहाँ चल रहा है हरामी। लाल कलंदर अली अली झूले लाल कलंदर अली अली दम मस्त कलंदर अली अली एक विरज है दम दम अली 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 सखी लाल कलंदर अली 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 दम दम अली अली सखी लाल कलंदर अली अली झूले लाल कलंदर अली अली दम मस्त कलंदर अली मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त 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 कब से खुदा को ढूंढ रहा हूँ खुद से सवाल पूछ रहा हूँ कब से खुदा को ढूंढ रहा हूँ खुद से सवाल पूछ रहा हूँ सारी दुनिया एक तरफ है मेरी किस्मत एक तरफ मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त 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 क्या हुआ जी, सोए नहीं अभी तक आप? परेशानी है?
मधु मैंने सोच लिया है। सोच लिया है क्या? मैं ये एक्टिंग छोड़ रहा हूं। मतलब ये सपने देखना छोड़ रहा हूं। सत्या सही कहता है, ये एक्टिंग वैक्टिंग सब अमीरों का काम है, गरीबों का कुछ नहीं हो सकता इसमें। मजाक कर रहे हैं ना आप जी? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप तो इतने बढ़िया एक्टर हैं, सब जानते हैं क्या? ऐसा किसी को नहीं लगता है। मुझे लगता है जी, मुझे पता है ना। आ, क्या? मगर ये काफी नहीं है मधु। अब ये पहले ही बरसात में पार्वती बनकर भी कुछ खास नहीं कर पा रहा हूं। चिंटू की फीस, घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने सोच लिया है, बहुत हुआ सपनों के पीछे भागना बंद, आज से ऑडिशन बंद, 10-12 घंटे मजदूरी करूंगा। चुप हो जाइए आप। आप क्या जी रो रहे आप? क्या करे? चुप रही, पैसों की चिंता ना आपको, मैं दो घर और पकड़ लूंगी, बर्तन कपड़े जो भी होगा मैं सब करूंगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए प्लीज, पर एक्टिंग मत छोड़। नहीं, बिल्कुल नहीं मधु, बिल्कुल नहीं। वैसे भी तुम कितना कर रही हो मेरे लिए, मैं बदले में कुछ कर पाया हूँ तुम्हारे लिए? न तुम्हें अच्छा घर, गाड़ी, न नौकरी, कुछ नहीं दे पाया। हर जगह साला लोग मुझे बटला कहते हैं, कोई बोलता है तुम फिट नहीं हो, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाता हूं। देखो जी, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। मैंने यहां इसलिए नहीं की थी कि आप मुझे गाड़ी, घर और पैसे दिलवाएंगे। हाँ, मैंने इसलिए की थी क्योंकि आप मुझे सच्चे लगते हैं। बस मैं खुश हूं। जी आप भी ना। देखिए, सुनिए हाँ, सुनिए, देखिए, आप मंजिल के ना बहुत करीब हैं। ऐसे हताश मत होइए, पापा सब ठीक कर देंगे। ये बिंदी लगाती हूँ। ऊपर देखिए। मैं रोज घर से उम्मीद लेके जाता हूँ अक्सर ये सोच कर, उम्मीद लेके जाता हूँ अक्सर ये सोच कर,
के आज मेरी बदलेगी किस्मत, दिल को मिलेगी अच्छी खबर। है मेरा ये वहम क्या पता था, अब निभा ले जिंदगी तेरा वादा, लाएगी तू खुशी ये कहा था, अब निभा ले जिंदगी तेरा वादा। ओ तेरी, ये तो कुलभूषण जी है। बापे, यही मौका है शिवा मार दे चौका। हेलो सर, सर आपकी नई फिल्म के लिए आपको लाख लाख बधाइयां सर। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सर मैं सच कह रही हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं सर। सर अब सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा ऑडिशन ले लो सर, मैं एक्टर हूँ। सर मैं लड़का हूँ सर, मजबूरी में पेट पालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है सर। सर मैं थिएटर का एक्टर हूँ सर, आपका एक मौका मिल जाएगा तो मेरा जीवन बन जाएगा। प्लीज सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, सर प्लीज। तू भी शिवा पागल है, ऐसे थोड़ी होता है कहीं कि सड़क पे चलते डायरेक्टर मिल जाएगा और तुझे ब्रेक दे देगा, ऐसा फिल्मों में होता है, जिंदगी में नहीं। कल शाम 7 बजे महबूब स्टूडियो पर। तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये सत्या जल्दी आओ, मैं खुशखबरी सुनाता हूँ। अरे क्या, क्या हुआ जी? तूफान आ गया छत पे, क्या हुआ? तुम्हें यकीन नहीं होगा कि क्या हुआ। मुझे ना बहुत बड़े डायरेक्टर ने एक फिल्म के लिए बुला लिया है। सच्ची जी? सच्ची सच्ची सच्ची। हमने आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था ना कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब आ रहे। पापा ने हमारी सुन लीजिए, पापा ने हमारी सुन ली। पापा नहीं करवाइए, आप कल ना जी जान लगाकर अब मेहनत कीजिएगा। चिंटू को स्कूल हम छोड़ देंगे। अच्छा, अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। सत्या तू ना कल तू मेरे साथ रहना, मुझे डर लग रहा है थोड़ा। अरे तुझे फिल्म मिली नहीं है, मिलने के लिए बुलाया, शांति रख। क्यों दाई? मुझे तो पता ही था मेरा शिवा एक दिन कमाल कर देगा। अच्छा, आपको पता था? ये ताई बोल रही है। वेरी नाइस। मुंह मीठा करते, शक्कर लेकर आती जी। लो मुंह मीठा करो थोड़ा, ये लीजिए। ले सत्या पहले तू ले। तू अरे मीठा ना सही, चीनी तो है। ठीक है, मैं जा रहा हूं, याद रखना ना तो मेरे लिए आखिरी दरवाजा है और ना ही मेरे रास्ते यहां पर आकर खत्म होते हैं। मेरे यहां होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे चेहरे पर लिखी हुई सच्चाई सबको बेचैन कर रही है। पर मैं तो एक आईना हूं, जो देखूंगा वो दिखाऊंगा। या तो मुझे दूर किया जा सकता है या चकनाचूर, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस महामारी में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है, मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। कट। ब्रिलियंट।
शिवा तू तो तूफान निकला बे, कहाँ था अब तक? मैं तो यहीं पर था सर, सड़क पर। शिवा पूरी फिल्म तुम ही करोगे, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। ब्रिलियंट ब्रिलियंट लगे रहो। थैंक यू सर। शिवा क्या एक्टिंग किया भाई, यार तूने मुझे गलत साबित कर दिया। नहीं 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 नहीं, अरे मैं बोलता था ना कि अमीर लोगों का काम है, लेकिन यार तूने तो मुझे रुला दिया, छा गया तू, छा गया। बैक अप, लाइट्स ऑफ। पार्वती, ओ पार्वती, ओए पार्वती, अबे उठ पार्वती। क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था ना, सपनों का शहर, जाने कितने शिवा और है इस शहर में, जो बनने कुछ और आए थे और बन कुछ और गए। निभाले जिंदगी तेरा वादा, लाएगी तू खुशी ये कहाँ था, अब निभाले जिंदगी तेरा वादा। Thank you.
तेरा वादा लाएगी तो खुशी।